हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए 15x50 का प्लान, जिसमें हमने दो फ्लोर डिज़ाइन किए हैं, ग्राउंड और फर्स्ट। ग्राउंड फ्लोर में हमने एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया है, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने दो बेडरूम डिज़ाइन किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री पर ही हमने स्टेयरकेस दिए हैं, और सीढ़ियों के नीचे हमने दो बाइक की पार्किंग की जगह दी है, ताकि आप अपने व्हीकल को अंदर ही पार्क कर सकें। घर के अंदर एंट्री करते ही हमने यहाँ पे ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने सीटिंग रखी है, और दोनों वॉल्स पर हमने वॉलपेपर डिज़ाइन किया है। इस ड्राइंग रूम को हमने इस तरह डिज़ाइन किया कि यहाँ पे हमारे लाइटिंग और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमने एक बड़ी विंडो दी है, ताकि बाहर से लाइट हमारे डायरेक्ट अंदर आती रहे। और इसकी सामने वाली वॉल पर हमने टीवी यूनिट दी है, और इसके बिल्कुल साथ में हमने किचन डिज़ाइन किया है, जो कि हमने एक मॉडुलर किचन डिज़ाइन किया है। किचन के बिल्कुल साथ में हमने एक विंडो दी है, जो कि हमारे साथ वाले शाफ्ट से वेंटिलेशन वगैरह लेती रहेगी। किचन के बिल्कुल साथ में हमने एक कॉमन वॉशरूम डिज़ाइन किया है, और कॉमन वॉशरूम के पीछे हमने एक ओपन एरिया दिया है, ताकि हमारे यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह आता रहे, आप यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह। वॉशरूम के बिल्कुल साथ में हमने एक बेडरूम डिज़ाइन किया है, जिसके सामने वाली वॉल पर हमने एक वॉलपेपर डिज़ाइन किया है, और बीच में हमने बेड को रखा है, और राइट साइड में हमने वार्डरोब रखी है, और इसलिए तो बिल्कुल जस्ट साथ में वार्डरोब के बिल्कुल साथ में हमने स्टडी टेबल बनाया है, और स्टडी टेबल से ही हमारा ये शाफ्ट में जाने का रास्ता है। यहाँ पे हमने एक स्लाइडिंग डोर दिया है, जिसको ओपन करके आप शाफ्ट में जा सकते हैं। उसके साथ में हमने एक छोटा सा टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमने एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर में सीढ़ियों से आती हमने एक छोटी सी बालकनी दी है। यहाँ पर बालकनी से एंट्री करते ही हमारा कॉरिडोर है, जो कि लगभग 4 फीट के आसपास है। उसके बिल्कुल साथ में हमने एक बेडरूम डिज़ाइन किया है, जिसकी पीछे वाली वॉल पे हमने वॉलपेपर डिज़ाइन किया है, और राइट साइड में हमने एक बड़ी विंडो दी है, ताकि हमारे इस बेडरूम में वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से आता रहे, लाइट वगैरह बढ़िया तरीके से आती रहे। और उसके सामने वाली वॉल पे हमने एक वार्डरोब और एक टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है। बेडरूम के बिल्कुल साथ में हमने किचन डिज़ाइन किया है, जो कि हमारा पूरा का पूरा मॉडुलर किचन है, और जिसका साइज़ 10 फीट बाय 8 फीट है, जो कि हमारा एक बढ़िया साइज़ है। उसके साथ में हमने विंडो दी है, जो हमारे नीचे वाले शाफ्ट से वेंटिलेशन वगैरह रहता रहेगा। और इसके बिल्कुल बिल्कुल साथ में हमने वॉशरूम डिज़ाइन किया है, और लास्ट में हमने एक बेडरूम डिज़ाइन किया है, जो लगभग 14 फीट बाय 11 फीट है। दोस्तों, इसकी भी पीछे वाली वॉल पे हमने वॉलपेपर डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। और राइट वाली वॉल पे हमने वार्डरोब डिज़ाइन किया है, और उसके बिल्कुल साथ में हमने स्टडी टेबल डिज़ाइन किया है, और सामने वाली वॉल पे हमने टीवी डिज़ाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका प्लान डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री में हमने जो स्टेयरकेस बनाई है, उनका साइज 8.5 फीट बाय 8.5 फीट है। उसके साथ में जो कॉरिडोर छोड़ा है, वो लगभग हमारा 5 फीट का है। उसके बाद जो ड्राइंग रूम है हमारा, वो 14 फुट 3 इंच बाय 11 फुट 7 इंच का है, जो कि हमारे पैसेज को मिलाकर है। उसके बाद दोस्तों, हमने जो किचन डिज़ाइन किया है, वो 10 फीट बाय 8 फीट का है, और साथ में हमने लगभग 4 फीट का कॉरिडोर है। तो दोस्तों, टॉयलेट का साइज़ हमारा 5 फीट बाय 8 फीट है। तो पीछे जो हमने कटआउट रखा दोस्तों, वो 8 फुट बाय 4 फुट 7 इंच है, जो कि हमारा काफ़ी बढ़िया साइज़ है, और हमारे पूरे घर में वेंटिलेशन के लिए बढ़िया काम करेगा, और यहाँ से हमारी लाइट्स लाइट हवा अच्छे से आती रहेगी, हमारे घर में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होगा। जो लास्ट वाला बेडरूम है हमारा, वो 14 फीट 3 इंच बाय 11 फीट का है। दोस्तों, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का साइज। अब हम फर्स्ट फ्लोर के साइज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर भी दोस्तों हमारा 8.5 फीट बाय 8.5 फीट का हमारा स्टेयरकेस है, उसके साथ में हमारी बालकनी है। फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारा जो पहला बेडरूम है, वो 10 फीट बाय 11 फुट 7 इंच का है, उसके साथ में लगभग 4 फीट का सेम हमारा पैसेज है। उसके बाद दोस्तों, जो किचन का साइज है हमारा, वो 10 फुट बाय 8 फुट का है, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर के साइज जितना ही है।
दोस्तों टॉयलेट का साइज भी हमारा 8 फुट बाय 5 फुट है। कॉरिडोर का साइज है वो लगभग 4 फीट ही है। जो हमारा लास्ट वाला बेडरूम है उसका साइज 14 फुट 3 इंच बाय 11 फीट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ऐसे बेहतरीन डिज़ाइन देखने के लिए।